मैंने जो घर दिखाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट में कि उस घर का क्या हुआ, अब वहां क्यों नहीं रहती है, ये वाला घर बेच दिया क्या आपने, या फिर स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल का शांति में। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जो मेरा गोल्ड वाला मंगलसूत्र है ना, वो टूट गया है थोड़ा सा, तो मैंने अभी ये वाला मंगा लिया था। तो मैंने ऐसे मुझे याद आया कि अरे मैं कितने दिन हो गए हैं, और उसको अभी बनने में ना थोड़ा सा उसका खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि उसका ना कुछ निकल गया है, और जिसमें ना पूरे सोना लगा के कुछ करना होगा, तो मतलब कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत सा है, जो अभी नहीं, मतलब अभी उतने पैसे अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं जुटा के जरूर उसको ठीक करवा लूँगी। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो माइंड मत करी, बहुत जल्दी थोड़े से पैसे जुटा के मैं ठीक करवा लूँगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग, आज का एक नया दिन और एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट कर दिया आज का ब्लॉग। आई होप कि पूरी कोशिश पूरी मेहनत आप सबको पसंद आने वाला है। पालक पनीर, जो कि सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप सबको भी। लेकिन उसकी रेसिपी एकदम परफेक्ट कैसे बनेगी, एकदम परफेक्ट, मैं सच बताऊं, मैं जब शादी करके आई थी ना, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, सीखते सीखते करत करत अभ्यास से, वो बोलते हैं ना, तो जड़पड़ परत निशान, तो वही बात है कि करते करते मुझे, बनाते बनाते मुझे आ गया। तो वो मैं आज अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा के बनाने वाली हूँ और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं सारी चीज़ें जुटा लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने, देखिए, पालक के पत्तों को अच्छे तरीके से काट के धो लिया है। मैंने पनीर के टुकड़े भी कर लिए हैं। और सबसे एक ख़ास ट्रिक होती है, जब भी हम पालक पनीर बना रहे हो ना, आधा से कम यहाँ पे चम्मच चीनी है उसको हम डाल देंगे, तो कभी भी कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। ये ख़ास ट्रिक होती है पालक पनीर जब भी हम बना रहे हैं, तो पालक का कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने उबाल दिया है, इसी के साथ में हम डालेंगे। उबालना मतलब आपको 2 मिनट है, ऐसा नहीं कि उसका पूरा जितना भी पोषक तत्व है उसको पानी के साथ उबाल देना है। इसमें हम हरी मिर्ची, धनिया, सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे, और उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वही जो परफेक्ट हम रेस्टोरेंट ढाबे में खाते हैं ना, वही वाले। इसके बाद मैं घी भी बना रही थी साथ साथ, क्योंकि हम जो पालक पनीर बनाने वाले हैं ना, वो घी के साथ ही बनाने वाले हैं। एकदम शुद्ध, एकदम टेस्टी सा पालक पनीर हम जो है वो बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, घी के लिए वही मैंने मिक्सर में सारी चीज़ें डाली, और उसके बाद यहाँ पे घी हम तैयार कर लेंगे। और कुछ खड़े मसाले चाहिए जो यहाँ पे हैं, और मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ना काट के रखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई मैंने गरम करी हुई है, कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें हम डालेंगे खड़े मसाले जो हमने अभी रखे थे ना। आप थोड़ी सी दालचीनी कम है, आप थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, अभी मेरे पास यही वाले थे तेज़पत्ता, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि पालक में ना लहसुन का टेस्ट जो होता है, फ्लेवर एक अलग ही आता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है, तामझाम नहीं है। प्याज के मैंने छोटे छोटे से बारीक टुकड़े काटे हुए हैं, और बहुत टेस्टी बनाया था। इतनी तारीफ़ करी इन्होंने मेरी कि मैं बता नहीं सकती, आप सबको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ें यहाँ पे, और हम पनीर को ना डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं कि उसमें बहुत सारा तेल है या फिर ऐसा कि बहुत ऑयली ऑयली सा हो गया। इसी तरीके से हम तवे के ऊपर इस पनीर को फ्राई करेंगे। नॉनस्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है। उसके बाद मैंने टमाटर के ना बहुत बारीक और छोटे छोटे से मैंने यहाँ पर जो है वो टुकड़े काट के रखे हैं, और इनमें अच्छे तरीके से हम डाल के इनको भी फ्राई करेंगे। और इसमें ना जितने भी पालक पनीर मसाला है,
और पनीर मसाला हुआ, ये गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको हम भुनेंगे। और इसी को भुनने में जो भी टेक्निक होती है टेस्ट के ऊपर, आपके मसाले ही डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे टमाटर गलने लगे हैं और हमारे जो मसाले हैं ना वो अच्छे तरीके से यहाँ पे ना भुनने लगे हैं। फिर उसके बाद हमने पालक जो है वो पीस के रख ली, वो एकदम से ठंडी हो गई है। जब भी पालक को थोड़ा सा जैसे उबाले तो उसको ठंडे पानी में डाल दे, जिससे उसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और वैसे का वैसा ही रहेगा। सबसे खास ट्रिक इसमें कसूरी मेथी आप सब ज़रूर से ज़रूर डालें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने पालक भी यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हमारी जो है वो बनके तैयार हो गई थी। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। 5-7 मिनट इस तरीके से पका लेंगे, उसका बिल्कुल भी कच्चापन चला जाए, क्योंकि हमने इसको बस 2 मिनट के लिए उबाला था। थोड़ा सा पनीर, 1-2 पनीर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आया। तो बस बन गई। इस स्टेज पे हम डालेंगे ताज़ी मलाई, आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं, चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं। और ये हम डालेंगे 2 चम्मच। और इसको डालने के बाद ना टेस्ट और मतलब कि देखने में भी और खाने में भी दोनों स्वाद जो है इसका बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। और हरी धनिया की पत्ती हम चाहें तो काट के डाल सकते हैं, बाकी हमने कसूरी मेथी डाला था, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और यहाँ पर देखिए हमारी पालक पनीर जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बस आ जाइए आप सब भी। का भिल जी, दूध आ गई बा, चाय बनाई। हाँ तो अभी बनाऊंगी मैं, मतलब अभी हमारी सब्जी हो रही है तो चाय की बात चल रही है। और मैं आप सबके साथ में एक बात शेयर करना चाह रही थी, मैं अभी थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। इतने सारे मेरे को कपड़े जो है वो जालिम कपड़े जो है वो फोल्ड करने हैं। जालिम इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब ठंडियों में ना पानी जो लगती है ना, छन 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 छन, का भैल जी कहे इनमें से उन होता नहीं। अच्छा तो जो मतलब जो लगती है ना हाथों में, उसका तो मैं बता ही नहीं सकती। तो मैं थोड़ी सी बैठ जाती हूँ, फिर मैं आप सबसे बातें करती हूँ। और यहाँ पे देखिए गैया माता, मतलब अच्छा लग रहा है। रम्या का ये स्टडी टेबल है और यहाँ पे उसके ग्लव्स हैं। तो मैं सोचा चलो मैं आप सबसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। जब मैंने घर वाली वीडियो शेयर करी थी तो मेरा प्ले बटन है, कितना प्यारा लग रहा है। और जब भी मैं ये देखती हूँ तब मुझे मेरी यूट्यूब जो आपकी मेरी और हमारी जो फैमिली है ना, क्या बोलूँ। तो हाँ, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये मैंने जो घर दिखाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट में कि उस घर का क्या हुआ, अब वहाँ क्यों नहीं रहती है, ये वाला घर बेच दिया क्या आपने, या फिर मतलब कि बहुत मतलब मैं निगेटिव इनको नहीं बोलूँगी, हाँ लोगों के मन में उत्सुकता होती है। जब भी हमसे लोग जुड़ते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि वो वाला घर आपने कितने में लिया, आपके खुद का घर है या फिर आपने किराए पे लिया। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आई थिंक वो नहीं देख पाए होंगे लोग। तो इस घर को इस तरीके की चीज़ें मैं बोल भी नहीं पा सकती हूँ कि इसको हम बेच देंगे या फिर ऐसा कुछ, ज़िंदगी में सवाल नहीं उठता है। और दूसरी बात की जो मेरी सिस्टर, वो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, जो मेरे सिस्टर लोग रहती हैं, मेरा खुद का नहीं है। और बाप रे उतना घर बनारस में, अगर हमें बनारस में अगर हम अच्छी जगह पे ज़मीन बोले तो 40-50 लाख रुपए हिस्सा होता होगा, मतलब ठीक ठाक। और एकदम मेन बोले तो 1 करोड़ रुपये का एक थोड़ा सा मतलब मिलेगा, 6 हिस्सा हमारा ये घर है, इतना तो लगता है कि कई करोड़ों खरबों का मिलेगा। और अगर हम बना बनाए वो घर ले लें तो वो 2-4 करोड़ का मिलेगा। यहाँ पे 2-4 हज़ार की चीज़ें करने के लिए सोचना पड़ता है, और इतना बड़ा मतलब कि मैं घर ही ले लूँ एक ही बार, तो ये तो मुझे लगेगा कि मैंने कोई सपना देखा, और ये जो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने घर ही ले लिया, और ऐसा हो गया तो मैं तो उसी दिन मेरा आखिरी दिन हो जाएगा, खुशी के मारे मेरी जान निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसका मैं किराया भी मैंने बताया था कि 6,500 रुपये उसका जो है वो किराया आता है। और बाकी मैं अदर बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बहुत अच्छा लगा तो हमने लिया, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरी बहनें जब दोनों जॉब करने लगेंगी तो हम लोग मतलब सबके पैसे जब इकट्ठे आने लगेंगे, मैं ऐसे ख्याली पुलाव पका रही हूँ, नहीं जॉब पे वो करेंगे ये तो।